आज हम डिस्कस करेंगे डिफरेंसेस बिटवीन डुप्लीकेशन एंड डेफिशिएंसी तो फर्स्ट है कैरेक्टर सेकंड है डुप्लीकेशन थर्ड जो कॉलम है इसका डेफिशिएंसी uh, है तो जो कैरेक्टर हम जो इसमें डिफरेंसेस देखेंगे पहला डेफिनेशन दूसरा ऑब्जर्वेशन एट दैकेटिन स्टेजेस थर्ड वन है सीडो डोमिनेंस के प्रजेंस या ऑफसेंस के रिगार्डिंग है और रिवर्स रिपीट इन क्रोमोजोम में जो करेक्टर होगा उसका ऑब्जर्वेशन के रिगार्डिंग होगा और लास्ट एग्जाम्पल के रिगार्डिंग जो है यानी कि हम फाइव पॉइंट्स के रिगार्डिंग इसके डिफरेंसेस को देखेंगे तो पहला बात करते हैं डेफिनेशन डुप्लीकेशन का डेफिनेशन होता है एडिशन ऑफ अ पार्ट ऑफ क्रोमोजोम यानी कि किसी क्रोमोजोम में कोई एडिशन हो रहा है किसी क्रोजोजोम या फिर जीन्स का तो वो डुप्लीकेशन के अंदर आएगा जबकि जो डेफिशियसी है इनवॉल्व्स लॉस ऑफ अ पार्ट ऑफ क्रोमोजोम तो यानी कि यहाँ पे क्या है लॉस हो रहा है तो डेफिशियंसी और डुप्लीकेशन में क्या है डुप्लीकेशन के अंदर एडिशन हो रहा है जबकि डेफिशियंसी के अंदर लॉस हो रहा है अब बात करते हैं ऑब्जर्वेशन की जो पैकेटीन के अंदर जो ऑब्जर्वेशन हो रहा है उसके रिगार्डिंग क्या क्या चीज़ें आ रही हैं एटमिओसिस पैकेटीन साइटोलॉजिकल observation characteristic of deficiency will be obtained in the duplication in the duplication whereas in deficiency at meiosis deficiency will form a loop in a bivalent that can be observed at pachytene stages इफ़ वी टॉक अबाउट द सीडोडामिन इन डुप्लीकेशन इट इज़ एबसेंट बट इन डेफिशियसी इट इज प्रजेंट अब बात करते हैं रिवर्स रिपीट इन क्रोमोजोम में तो डेफिशेंसी के अंदर ये ऑब्जॉर्ब होता है लेकिन सॉरी क्या नाम है डुप्लीकेशन के अंदर ये ऑब्जॉर्व होता है लेकिन ये डेफिशियन्सी के अंदर ऑब्जॉर्व नहीं होता है अब बात करते हैं एग्जाम्पल की तो बार आई इन ड्रोसोफिला इसका पहला एग्जाम्पल है और ड्रोसोफिला के अंदर ही हेयरी विंग्स का होना ही डुप्लीकेशन के कारण होता है जबकि अगर हम के एग्जाम्पल की बात करें तो वाल्जिंग माइस वाल्जिंग माइस इसका एक एग्जाम्पल है और क्राइडू चैट सिंड्रोम जिसमें कि जो बच्चा हो बिल्ली की तरह क्राई करता है और ज़्यादा टाइम तो सर्वाइव नहीं करता हार्डली फाइव एंड सिक्स ईयर तक ही सर्वाइव कर पाते हैं तो ये आपका डेफिशियसी का एग्जाम्पल है सो दिस इज़ ऑल अबाउट द डिफरेंसेस बिटवीन डुप्लीकेशन एंड द डेफिशेंसी थैंक यू